स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का। ये होते क्या हैं और इनको अप्लाई कैसे करते हैं और इनका यूज़ क्या है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे इसके डेफिनेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट आर एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड व्हिच यूजुअली हैव डिफरेंट मीनिंग। प्रीफिक्सेस किसी भी रूट वर्ड से पहले ऐड कर दिए जाते हैं। जब एक रूट वर्ड हमारे पास होता है तो उसका मीनिंग पहले कुछ और होता है, लेकिन जब इसके साथ हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, प्रीफिक्स ऐड करने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में है, काइंड एक रूट वर्ड है और इसके साथ ये एक प्रीफिक्स ऐड किया गया है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के जो वर्ड्स हैं जो पहले और बाद में ऐड किए जाते हैं उनको एफिक्स कहते हैं, दोनों के कम्बिनेशन को। तो जो पहले ऐड किया जाएगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा और जिसके साथ ऐड किया जाएगा जिस वर्ड के साथ वो रूट वर्ड कहलाएगा। तो काइंड जो है वो हमारा रूट वर्ड है। काइंड का मतलब है रहम दिल हमदर्द। तो जब इसके साथ हमने अन यू एन ऐड किया तो इसका टोटल मीनिंग जो बाद में चेंज हुआ वो अनकाइंड हो गया, यानी बेरहम बन गया। तो हमने डेफिनेशन में भी यही अंडरस्टैंड किया था कि जब इसके साथ प्रीफिक्स ऐड होगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, डिसलाइक। अब डिसलाइक के साथ डिस को ऐड किया है तो ये डिसलाइक बन गया है। पॉसिबल के साथ आई एम को ऐड किया है तो ये इम्पॉसिबल बन गया है। और लॉन्ग के साथ बी को ऐड किया है तो ये बिलोंग बन गया है। इसी तरह डोर के साथ जो है, डोर एक रूट वर्ड है तो डोर के साथ इन ऐड किया तो ये इनडोर बन गया। और लीगल के साथ जब आई डबल एल ऐड किया तो इलीगल बन गया। और सेकेंडली एक्स्ट्रा के साथ जो है, जब ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स है और इसको ऑर्डिनरी के साथ ऐड किया गया तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के मायने दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, वी नो द बेसिक यूज ऑफ बेसिक पर्पज ऑफ द प्रीफिक्सेस लेटर्स। वी हैव एडिड बिफोर द रूट वर्ड्स एंड देन इट हैज चेंज द मीनिंग ऑफ बेसिक रूट वर्ड्स। सो लेट्स सी द सम अदर प्रीफिक्सेस वर्ड्स लेटर्स, लाइक यू एन इज अ बोथ टू लेटर्स विच कैन बी एड बिफोर द रूट वर्ड। इट विल मेक सम डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था, काइंड एक वर्ड रूट वर्ड था तो उसके साथ हमने यू एन ऐड किया था तो वो अनकाइंड हो गया था। इसी तरह डी आई एस जो है वो हमने लाइक वर्ड के साथ ऐड किया था तो ये डिसलाइक बन गया था। आप जो है, आपको अगर आप वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो अपवर्ड हो जाएगा। आउट के साथ हमने आउट को डोर के साथ ऐड किया था तो ये आउटडोर बन गया था। इसी तरह ई एक्स जो है, ये वर्ड है, ये हमको जो है एक्सटर्नल के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं या बेसिक रूट वर्ड के साथ ऐड करेंगे। इसी तरह इंटर जो है, अगर नेशनल के साथ हम इंटर पहले लगा देंगे ये लेटर तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा। और इसी तरह जो है प्री वर्ड तैयारी, तो प्लान के साथ अगर हम प्री लगा देंगे तो प्री प्लान बन जाएगा। और एम आई डबल एस है ये, एम आई एस है ये, तो अंडरस्टैंड के साथ अगर हम एम आई एस लगा देंगे तो मिस अंडरस्टैंड या मिस अंडरस्टैंडिंग का वर्ड बन जाएगा, जो कि अंडरस्टैंड के बेसिक वर्ड को चेंज कर देगा। इसी तरह जो है एफ ओ आर है, एफ ओ आर ई है, तो अगर हम इसको एवर के साथ लगाएंगे तो फोर एवर हो जाएगा। एस यू एफ सब है तो हम इसको सब के साथ लगाएंगे। कॉन्टिनेंट के साथ अगर ऐड करेंगे तो ये सब कॉन्टिनेंट के मीनिंग देगा और उसके बेसिक मीनिंग को जो है वो चेंज कर देगा। और इसी तरह आई एन हमने जो है वो डोर के साथ ऐड किया था तो ये इनडोर के मीनिंग दे रहा था। सो आई थिंक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ये। सो हमने प्रीफिक्सेस अंडरस्टैंड कर लिया, अब सफिक्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हमें पूरा पर्पस अपना दोनों टॉपिक्स का समझ आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सफिक्सेस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडिड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक न्यू वर्ड। जिस तरह हमने प्रीफिक्सेस को पहले रूट वर्ड से ऐड किया था, इसी तरह हम सफिक्सेस को रूट वर्ड के बाद में ऐड करेंगे तो तब भी ये रूट वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देगा। सो लेट्स सी द सम एग्जांपल ऑफ सफिक्सेस, लाइक स्मॉल जो है वो हमारे पास रूट वर्ड है और हमने इसके लास्ट में ई एस टी ऐड किया है तो ये वर्ड बना स्मॉलेस्ट। चाइल्ड के साथ हमने आई एस एच ऐड किया है तो ये चाइल्डिश बन गया। इसी तरह स्लो एक रूट वर्ड है जिसके साथ हमने एल वाई ऐड किया है तो ये स्लोली के मायने देगा। और इसी तरह जो है
ईट है ईट वर्ड और इसके साथ आईएनजी ऐड किया है तो ईटिंग बन गया है। हार्म है इसके साथ एफ यू डबल एल फुल ऐड किया है तो हार्मफुल हो गया। टीच जो है वो पढ़ाना है और इसके साथ ई आर ऐड किया है तो ये टीचर बन गया है। यानी इन वर्ड्स के साथ रूट वर्ड्स के साथ जो हमने सफिक्स ऐड किया है उसके बाद वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया। सो फाइनली लेट्स सी सम अदर सफिक्सिस वर्ड्स विच कैन ऐड एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड्स। लाइक फर्स्ट वाई हम सफिक्स के तौर पे ऐड करेंगे, जैसे कि बेबीज़ हैं, ज़्यादा बेबीज़ हैं और अगर हम उसको सिंगुलर में लेकर आएंगे तो वो आई एस रिमूव करके हम वाई ऐड कर देंगे। इसी तरह आई एस एच जो सफिक्स है वो एक रूट वर्ड के बाद में ऐड होगा, जैसे हमने ऊपर भी सीखा था चाइल्ड के साथ हमने आई एस एच ऐड किया तो चाइल्डिश हो गया। इसी तरह फूल के साथ जो है आई एस एच ऐड करेंगे तो ये फूलिश हो जाएगा। और इसी तरह ई आर है नेक्स्ट वर्ड तो स्कैनर के साथ जैसे स्कैन ई आर ऐड कर देंगे तो स्कैनर यूज़ हो जाएगा। और इसी तरह जो है नेक्स्ट है एन ई डबल एस तो इसको भी किसी भी वर्ड के साथ रूट वर्ड के साथ ऐड करेंगे, लाइक काउंट के साथ करेंगे एल ई डबल एस तो काउंटलेस हो जाएगा। और इसी तरह एच ओ डबल एच ओ डबल ओ डी हुड है तो इसी तरह चाइल्डहुड कह सकते हैं, ब्रदरहुड कह सकते हैं। और एफ यू एल फुल है तो इसके लिए जो है वो हार्मफुल और जैसे कि एग्जांपल में यूज़ हुआ था वर्ड। और सेकंडली हम हैंडफुल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एस एच आई पी शिप जो है इसके साथ जो है हम फ्रेंडशिप पहला रूट वर्ड लगा के फ्रेंड लगा के शिप को ऐड करके फ्रेंडशिप वर्ड बना सकते हैं। सो आई होप आपने सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।